नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस करते हुए लेफ्ट पाम पे भी जाने के बाद फेट लाइन और लाइफ लाइन के बारे में मेन कंसर्न किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को भी व्यक्त करता है। साथ ही साथ जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी थॉट आएगा, उसको क्विकली इंप्लीमेंट करना या उस बात पर क्विकली रिएक्ट करना, ये भी नेचर में रहने वाला है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। टू द पॉइंट बात करना एवं सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन थोड़ी सी शॉर्ट है, जो स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन में बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को व्यक्त करता है। बाकी देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, जो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियों से कभी भी आप पीछे नहीं भागेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा रहने वाली है, नॉलेज अच्छा रहने वाला है और थोड़ा ईगो भी जल्दी हर्ट हो जाने वाला रहेगा। अदरवाइज ओवरऑल थोड़ा आपका जो नेचर है वो भी डोमिनेटिंग यहाँ पर रहने वाला रहेगा, यानी अपनी बात कैसे भी आप किसी से मनवा लेने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, बहुत अच्छी है ये, क्योंकि इससे ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है। हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने में सक्षम रहेंगे। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल यहाँ नहीं है। और जिस भी सिचुएशन में रहेंगे उसको बहुत बेहतरीन इन्जॉयमेंट आप यहाँ पर लेने वाले रहेंगे, तो ये बहुत बेस्ट यहाँ साइन होता है। इसमें कोई भी बेसिकली कमी नहीं है, हालांकि कुछ आड़ी आड़ी रेखा ज़रूर है जो स्टार्टिंग में रिलेशन में अनबन मतभेद की योगों को व्यक्त करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिकवर इन सब चीज़ों से करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल भी अच्छा डेवलप है, तो इस कारण से स्टेमिना, ऊर्जा, एनर्जी अच्छी रहने वाली रहेगी। थंब का साइज अगेन शॉर्ट है, जो ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता है, यानी इट मीन्स कि डायरेक्ट आप डिसीजन लेके एक्शन करने लगेंगे। थिंकिंग एबिलिटी या एक प्रकार से एनालिटिकल यहाँ पर कैपेबिलिटी थोड़ी कम देखने को मिल रही है। इसके अलावा थंब जो है सशक्त है, मजबूत है, तो इस कारण से हठी किस्म का नेचर रहेगा। अपने बात पर आप अड़िग रहने वाले रहेंगे, यानी जो ठानेंगे सो करके भी दिखाएंगे। इसके अलावा फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सेकंड फेलेंज के कंपेरिजन में थोड़ी लॉन्ग है, तो इस कारण से विल पावर आपका स्ट्रांग रहने वाला है। और जैसे कि पहला पर्व यहाँ पर उभरा हुआ भी है, तो अपने इमोशंस बहुत जल्दी दूसरों के सामने रख भी देने वाले आप रहेंगे। और यहाँ पर यव का साइन भी डेवलप है, तो इस कारण से एक प्रकार से गुड सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है। सुदर्शन क्रिया करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उससे एक तो आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ेगी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस इसका अनुभव आप करने लगेंगे। और बेसिकली ये सिक्स्थ सेंस के लिए ज़्यादा काम आता है, तो इंट्यूशन पावर आपका इस कारण से स्ट्रांग हो पाएगा। बाकी ओवरऑल यहाँ यव का साइन है, तो धन की ऐसी कोई भी जीवन में कमी नहीं रहेगी। पाम के साइज़ के विषय में जहाँ तक बात किया जाए, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, और वहीं चौड़ाई में नीचे की एरिया से ज़्यादा फैल रहा है। इसका मतलब अगर और बारीकी से यहाँ देखा जाए, तो ये रहा आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन, जिसका मतलब कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा अच्छी रहती है। थिंकिंग जोन ज़्यादा डेवलप नहीं है, एक्शन जोन अच्छा डेवलप है, तो बिना सोचे समझे कार्य कर देते हैं, यानी एक्शन लेते हैं फिर जाके थिंकिंग करते हैं कि या एनालिसिस आप करते हैं। नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप होने के कारण हमेशा मोटिवेशन या इंस्पायर्ड महसूस करना या इंडिपेंडेंटली वर्क करके लाइफ में ग्रोथ अच्छा कर पाना, वैसे योग भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम यहाँ प्रारंभ करें, तो गुरु पर आपकी बहुत अच्छी माइंड लाइन से ही निकल के और लाइफ लाइन से निकल के एक प्रोग्रेस लाइन पहुँची हुई है, जो बहुत अच्छे एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जो भी आपका एम्बिशन डिज़ायर रहेगा, जब तक वो फुलफ़िल ना हो जाए तब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे। तो इस कारण से ये बेसिकली अच्छा इसीलिए माना जाता है, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ, रॉयल्टी हुआ, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है, तो इसलिए ये बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला रहता है। और साथ ही साथ यहाँ की आड़ी रेखा, जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है या जो ये ऑकल्ट साइंस है, इन सब के प्रति बहुत आपका रुचि बढ़ेगा और इन सब में कुछ महारत भी आप हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ सिंपैथेटिक आपका नेचर यहाँ डेवलप्ड हो रहा है, तो उस कारण से जैसे किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना,
खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना वैसे भी योग है, और अच्छा दूसरों को गाइड कर सकते हैं, आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म के माध्यम से ही लाभ मिलने के आसार यहाँ बहुत अच्छे हैं। गुरु का अमाउंट कुल मिलाकर के नॉर्मल है, गुरु का शरण आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई मतलब जो भी आपके गुरु हैं या किसी को आप बना भी सकते हैं अगर नहीं है तो, और उनसे आशीर्वाद लेना या उनके मार्गदर्शन अकॉर्डिंग चलना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल जीवन में रहने वाला रहेगा। अदरवाइज गुरु यहाँ कारक होता है विवाह का, तो विवाह में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। शुक्र में थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है जो रिलेशनशिप्स को लेकर के ट्रबल देता है, बाकी गुरु पॉजिटिव है तो इस कारण से विवाह या घर परिवार संबंधी ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होती है। बाकी बात किया जाए सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट थोड़ा वीक है तो इस कारण से कार्यों में विलंब यानी देरी देखने को मिलता है। फेट लाइन आपके मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में धुंधला है यानी बिखर के चल रहा है तो इतने प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाए, फिर आगे ये गुरु की तरफ झुक गया है, देन आफ्टर एक शाखा निकल के माइंड लाइन पर रुकी है यहाँ पर, और यहाँ देख पाएंगे ओवरलैपिंग के साथ फिर ये लाइन गई है। ये जो सेकंड लाइन गई है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये जो एज है ये अप्रोक्सीमेटली 36 है, तो अभी का कहीं ना कहीं टाइम आपका टफ थोड़ा देखने को मिल रहा है मनी को लेकर के भी। रीज़न ये है कि एक राहु की लाइन यहाँ पर काट करके गई है, और वही सेम लाइन यानी सेम लाइन तो नहीं लेकिन अलग लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन पर भी काट के गई है, तो थोड़ा भी लाइफ कहीं ना कहीं टेंस्ड और इनबैलेंस्ड दोनों देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मनी के विषय में बात किया जाए तो मनी रिलेटेड ज़्यादा क्राइसिस या प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी राहु के कारण भ्रमित रहना, भ्रम की स्थिति को ये बेसिकली उत्पन्न करता है, कन्फ्यूज़न। बाकी टेंशन वाली कोई आपको ऐसी बात नहीं है। गुरु के तरफ भी फेट लाइन झुकी हुई है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस ब्राइट हैं, वहीं फॉरेन लैंड से लाभ मिलने के योग, फॉरेन कनेक्शन होने के योग या जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति के योग आपके बहुत अच्छे हैं। अब जैसे माइंड लाइन के ऊपर से ये फेट लाइन सीधे सैटर्न तक गई है, इट मीन्स जो भी आपके ड्रीम डिजायर्स रहेंगे अब फुली कंप्लीट होने वाले रहेंगे 36 के बाद, और अच्छी लाइफ में ग्रोथ और रफ्तार आपको देखने को मिलेगा, और जो चिंतात्मक स्वभाव है वो ख़त्म होगा, और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन सब लाइफ में आने वाला रहेगा। एक शाखा निकल के यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच में भी गई है, तो ये गुड एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है, जिसके कारण ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे, भीड़ से अलग रहना, खुद को ज़्यादा समय देना, इस प्रकार के योग बनेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी आएगी लेकिन बहुत मरतबा ग्रैब उसको ईजिली नहीं कर पाएंगे। सूर्य की जहाँ तक बात की जाए तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप्ड नॉर्मल है, और यहाँ पर हार्ट लाइन के ऊपर से ही डबल लाइन के साथ सूर्य की रेखा गई हुई है, जो कि स्टार्टिंग में थोड़े कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है, लेकिन आगे चल करके सूर्य की जो रेखा है स्ट्रॉन्ग अच्छी हो गई है, और बुध और सूर्य के बीच में गई है, जिसके कारण ये यशस्वी योग का निर्माण करता है, जो अच्छे प्रॉपर्टी को, नेम फेम रिस्पेक्ट को, जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे आप उसमें आपका नाम अच्छा होने का योग भी है। और डबल लाइन है तो इट मीन्स एक ही समय पर दो कार्य करेंगे आप, यानी दो माध्यम से धनार्जन भी हो सकता है, वहीं दो कार्यों से आपका नाम, इज्जत, शोहरत भी बढ़ने वाला रहेगा, तो उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। मर्करी माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, एक से अत्यधिक रेखा बोलचाल की कला में निरंतर सुधार को व्यक्त करता है, यानी निरंतर आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे अपनी बोलचाल की कला में, और ज़्यादा निखार लाते रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति भी है, जो थोड़ा फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है, और यहाँ हार्ट लाइन आपकी सीधे क्लियर कट निकल के गुरु से कनेक्टेड है, जो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। सिंपैथेटिक नेचर यहाँ बेसिकली ज़्यादा रहेगा, और यही रीज़न है कि दूसरों से जल्दी अटैच हो जाना या फीलिंग्स आना अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत जल्दी, या लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी आपकी रहना, ये सारे योग रहेंगे। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी विष्णु सिंबल है तो इस कारण से स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा मिलता है। हार्ट लाइन से नीचे की ओर भी रेखाएं आ रही हैं तो इस कारण से थोड़ा एक्सपेक्टेशन आप कम रखें। दूसरी बात माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट है और लॉन्ग है, और साथ ही साथ लाइफ लाइन से डिस्टेंस भी लेकर के चल रहा है, तो ये ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है। आप अपनी बात किसी भी लेवल पर जा करके मनवा लेने वाले ही रहेंगे, और ज़्यादा एडजस्ट अपने मेंटल थॉट्स को लेकर के किसी के साथ कर नहीं सकते आप, और वहीं जो भी एक बार ठान लिया वही हठीपन और जिद्दपन सब एक ही होता है, तो वो योग ज़्यादा है। लेकिन आपका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं आप, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे, लॉजिक लगा करके कार्य करेंगे,
मेमोरी शार्प रहेगी तो पुरानी से पुरानी बातों को भी बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। तो ओवरऑल मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेसपिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो जल्दी कोई भी चीज़ सीख और समझ भी आप सकते हैं। और बाहरी मंगल तक जब माइंड लाइन पहुँचती है तो योद्धात्मक गतिविधि जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। योद्धात्मक गतिविधि सेंस इट मीन्स जैसे एक योद्धा रहता है, युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं मानता, वैसे ही ये मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम या ट्रबल आ जाए बहुत बेहतरीन उसका मेंटलिटी के अकॉर्डिंगली जो है डील आप करने वाले रहेंगे। तो यही रीज़न है कि कभी ज़्यादा ट्रबल आपको इस कारण से हो नहीं पाएगा क्योंकि मेंटली आप स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर राहु के क्षेत्र से भी कुछ प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस मिल सकता है, तो शेयर मार्केट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। देन आफ्टर यहाँ पर कुछ और प्रोग्रेस लाइन आपकी माइंड लाइन से भी निकल रही है तो अभी का टाइम पीरियड में जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इन फ्यूचर रहने वाला है क्योंकि इन सब का झुका बुध की तरफ है। और जब भी इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो डिसीजन अभी लेंगे, थोड़ा रिग्रेट भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है उसमें, या कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। दूसरी बात यहाँ बात किया जाए लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का स्ट्रक्चर निरंतर ओवरलैपिंग के साथ चल रहा है जिसके कारण ये आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी में धीरे धीरे करके अच्छे ग्रोथ और सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। देन आफ्टर एक प्रोग्रेस लाइन है, अप्रोक्सीमेटली ये जो एज है ये 32 से लेकर के 34 के बीच में है, फिर एक रेखा नीचे की ओर गई है, एक और गई है और उसी बीच में राहु की रेखा काट के गई है, तो ये जो टाइम है थोड़ा सा टफ देखने को मिल रहा है जिसमें ट्रैवलिंग के योग भी आपके ज़्यादा हैं। देन आफ्टर यहाँ आपका लाइफ लाइन का फ्लो सीधे बाहर की ओर यहाँ मिडिल में आ रहा है, निकल रहा है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट एवं ग्रोथ के योगों को इंडिकेट करता है। दूसरी बात कि अभी लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, ये मंगल की रेखा है जो कहीं ना कहीं जिस भी मुसीबत परेशानी में रहेंगे तब तब आपको सहयोग दूसरों का अच्छा मिलता रहेगा जिसके कारण दिक्कत परेशानी से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है या प्रॉब्लम से निकल भी सकते हैं, वहीं जो एम्बिशन या डिज़ायर है वो भी आपको फुलफिल हो जाने वाला रहेगा। तो ये अपने आप में बेस्ट यहाँ पर साइन है। देन आफ्टर प्रोग्रेस लाइन और भी यहाँ पर लाइफ लाइन से निकल के जा रही है तो ये सेल्फ मेड लक लाइन है जिसके कारण अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से भी 45 प्लस एज के बाद भी ग्रोथ करते आप रहेंगे, तो बहुत बेस्ट साइन है ये। मंगल से एक रेखा आकर के माइंड लाइन में जुड़ गई है जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और हड़बड़ी भी बढ़ती है, ऐसा लगता है ट्रेन छूट रहा है, इतनी ज़्यादा डिसीजंस और प्लानिंग करेंगे आप कि उसमें चेंजेस बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेंगे। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहने वाले हैं। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है तो लग्जरियस लाइफ का फुल एंजॉयमेंट कर पाएंगे, अच्छा रहन सहन खान पान घूमना फिरना किसी भी चीज़ की कोई ऐसी कमी नहीं है। वहीं एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार सब है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई, अननेसेसरीज वरीज, यहाँ शुक्र की आड़ी रेखा फैमिली को लेकर के टेंशन देता ही देता है। अब वो चाहे अपने स्पाउस के तरफ से आए या उनके घर वालों से या अपने घर वालों से, वो बहुत डिटेल एनालिसिस होता है, वो सिर्फ कुंडली से ही ज़्यादा क्लियरिफिकेशन उसमें होता है, लेकिन पाम के अकॉर्डिंगली ये क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशन थोड़ा सा आपको टेंस्ड या ट्रबल दे रहा है। इसके लिए हालांकि मैं आपको रेमेडीज दूंगा जिससे आपको लाभ के आसार अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बाकी ओवरऑल शुक्र में कोई कमी नहीं है, शौकीन किस्म का नेचर रहेगा, किसी न किसी चीज़ का शौक या लत भी आपको रहने वाला रहेगा। यहीं से ही मरकरी लाइन भी निकल रही है, ये मरकरी लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हाथ में। मरकरी लाइन इंडिकेट करता है फैमिली के अच्छे कंडीशंस को, फैमिली में सुख बढ़ोतरी को, फैमिली से मिलने वाले प्रॉपर्टी या बिजनेस को भी। दूसरी बात, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है तो हेल्थ रिलेटेड जो ट्रबल या इश्यूज थोड़े बहुत भी बच जाते वो ख़त्म हो जाता है इस रेखा के बाद। तीसरा पॉइंट कि जो भी बिजनेस में आप जाएंगे सिर्फ इस फेट लाइन के कारण, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लक है जो खासकर बिजनेस में काम आता है, बहुत ग्रोथ करेंगे। अगर पार्टनरशिप में भी बिजनेस करें तो भी बहुत ग्रोथ होगा आपका, या किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लें, बस बिजनेस उसका अगर नाम है, बिजनेस अगर वो है, तो आपका नाम ग्रोथ में लिखा आ जाएगा आँख मूंद के, इतना बेस्ट यहाँ योगा आपका बन रहा है, क्योंकि यहाँ मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्लियर कट विजिबल है जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आता भी है, रुकता भी है और बचता भी है, और यहाँ से देखिए सन लाइन भी डेवलप्ड हो रखा है, तो बिजनेस के माध्यम से ही अच्छा आपको नेम फेम या पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन या उच्च पद अधिकारियों से बड़े लोगों से कनेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है, तो बहुत अच्छी लाइफ में गैदरिंग आप एक ना एक बार करने वाले रहेंगे और
अच्छा खासा उसमें अपने आप को प्रदर्शित लोगों के सामने करेंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत बेस्ट साइन है। केतु पर यहाँ आपका फिश सिंबल की आकृति भी क्रिएट हो रही है, तो लाइफ में सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस मिलता है जब धार्मिकता जीवन में बढ़ती है, तो धर्म कर्म के कार्यों से लाभ के आसार अच्छे हैं। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित कर सकती है, मन में मल्टीपल थॉट्स आना या थोड़ा मन का भटकना ऐसा योग बनता है, लेकिन कोई यहाँ पर बिग ट्रबल इस प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं है। सेम के सभी आते हैं आपके लेफ्ट पाम पे, तो यहाँ लेफ्ट पाम पे भी आप देख पाएंगे सबसे पहले लाइफ लाइन में कि ये देखिए अभी लाइफ लाइन में थोड़ा सा जो है लाइफ लाइन इनबैलेंस्ड होकर के चल रहा है, और जब जब ये मंगल की रेखा काट के गई है तो जल्दबाजी हड़बड़ी से हमेशा नुकसान ही उस टाइम पे हुआ है। फिर एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली है आपकी एफर्ट्स लाइन, ये 32 एज सेम इंडिकेट हो रहा है, और उसके बाद फिर लाइफ लाइन में धीरे धीरे करके फ्लो अच्छा आपका बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और प्रोग्रेस ग्रोथ मिलने वाला रहेगा। यहाँ फेट लाइन चल के हार्ट लाइन के पहले रुकी हुई है जिसमें राहु की रेखा ने काटा जो मनी रिलेटेड थोड़ा ट्रबल को इंडिकेट करता है 32 से लेकर 35 के बीच में, बाकी उसके बाद फिर कोई भी नहीं है, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग फिर रहने वाला रहेगा। तो बहुत ऊंचे स्तर तक आप अपने जीवन में जाएंगे, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी अच्छा है यहाँ पे, बस आत्मविश्वास को थोड़ा बढ़ाना है। सूर्य कमज़ोर है, सैटर्न यानी थोड़ा सा देरी होता है भाग्य में, लेकिन ओवरऑल कोई भी ऐसा बिग इशू या ट्रबल नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।